So today's topic is chapter number 9, algebraic expressions and identities. यानी हम लोग पहले स्टार्ट में बात करेंगे सिर्फ algebraic expressions की और सबसे लास्ट में बात करेंगे identities. यानी इस चैप्टर को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट इज algebraic expressions, सेकेंड पार्ट इज identities. ठीक है, नो डाउट थोड़ा लॉजिक मिल गया होगा आपको, है ना. जैसे मैंने टू पार्ट उसके डिवाइड किए हैं, आपका सिलेबस इस चैप्टर का टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेस करना, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, बताना, समझाना. देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, सिक्स क्लास में हम लोग रीड कर चुके हैं. एक होता था अपना कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड सेकेंड होती थी अपने पास में वेरिएबल वैल्यू. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जितने भी इंटीजर्स होते हैं अपने, जितने भी क्या है अपने इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो भी थी वो, प्लस फ्रैक्शंस, इवन डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं इसके साथ में. ठीक है, वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट वैल्यू में जाए थे. वेरिएबल्स यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट ए टू जेड जितने भी थे सारे के सारे काउंट होंगे. जब इन दोनों चीजों को मैंने एक साथ में मिला दिया, उन दोनों चीजों को मैंने एक साथ में क्या कर दिया, मिला दिया, कंबाइंड कर दिया, तो मेरा एक एक्सप्रेशन बना. जैसे मान लिया ये वेरिएबल था एक्स मेरा, मैंने इसमें एक इंटीजर को ऐड कर दिया यानी प्लस थ्री कर दिया, तो एक्स प्लस थ्री इज अ एक्सप्रेशन, एक्स प्लस थ्री इज अ एक्सप्रेशन. ठीक है, बात करते हैं. मान लिया मैंने अगर टू के साथ वाई को कंबाइंड किया तो टू वाई, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू और वाई दोनों मिला दिया और माइनस लिख दिया मान लिया मैंने फाइव, तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन. ये क्या कहलाते हैं अपने एक्सप्रेशन कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं अपने ये एक्सप्रेशन कहलाते हैं. यानी किसी वेरिएबल में कॉन्स्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया, कंबाइंड कर दिया और कंबाइंड करके क्या बनाया मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया, और वही एक्सप्रेशन अपना क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उठाया किसको मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन को. एक्सप्रेशन के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, सेकेंड पार्ट इज वेरिएबल वैल्यू. ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू में सारे के सारे इंटीजर्स वैल्यू, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, उसके साथ जीरो भी इंक्लूड होगा, फ्रैक्शन भी काउंट होते हैं इसमें. उसके बाद वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं अपने ए टू जेड तक में. ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या डिक्टेट करते हैं, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में लेते हैं इक्वेशन. इक्वेशन जितनी भी बनाई हमने, हमने फाइंड किसमें किया, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ए बी सी डी कुछ भी रखते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अल्फाबेट तो अल्फाबेट है. जब मैंने इस कॉन्स्टेंट को और वेरिएबल को दोनों को कंबाइंड कर दिया, तो कंबाइंड करते मान लिया मैंने ये भी लिख दिया, देखो 3x प्लस 2 प्लस 17 अपॉन 3. अब आपने सोचा होगा सर ने फ्रैक्शन तो लिखा लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म तो लाई नहीं, मैंने इसके साथ x मिलाया तो ये 3x अपॉन 2 तो क्या बन गया, मेरा वेरिएबल वैल्यू बन गई, और ये 17 अपॉन 3 क्या बन गई, अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, और टुगेदर दोनों मिलके क्या बन गए अपने एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन भी कौन सा आया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया अपना. ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आई है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे. टॉपिक बिल्कुल नया है, कोई जल्दबाजी नहीं है. जहां हमें लगेगा कि यहाँ दो तीन एग्जाम्पल एक्स्ट्रा जरूरत है वहां एक्स्ट्रा भी ले लेंगे हम लोग. ठीक है, और अब तक आपने देखा होगा कि बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं लेकिन बुक को भी नहीं यूज करते हैं. ठीक है, यानी बुक का सारा पार्ट हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं बुक का पार्ट आपके. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं. देखो अब तक हमने क्या रीड किया, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल. जब दोनों को कंबाइंड किया
तो बना मेरा एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने सॉर्ट कर में क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन बन चुका है। अब एक्सप्रेशन लिखा मान लिया मैंने 7x2y, 7x2y एक एक्सप्रेशन लिखा, और इस एक्सप्रेशन में मैंने एक बात पूछी आपसे, कोएफिशिएंट। अब आप कहोगे सर कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, है ना, क्या होता है मल्टीपल, किसका मल्टीपल पूछते हैं। अभी देखो मान ली मैंने दिया आपको 7x2y, उसमें पूछा कोएफिशिएंट ऑफ y, मैंने किसका कोएफिशिएंट पूछा आपको, y का, y का कोएफिशिएंट पूछने का मतलब हुआ कि मैंने आपसे ये पूछा कि y को किस नंबर से, किस वेरिएबल से, किस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पूछा किसके बारे में था आपको, y के बारे में, तो मैंने यहां से इस y को रिमूव कर दिया, रिमेनिंग पार्ट क्या रहा मेरा 7x2। तो कोएफिशिएंट ऑफ y इन 7x2y इज इक्वल टू 7x2। आई बात समझ में, मैंने आपको क्या पूछा, कोएफिशिएंट पूछा, किसका पूछा मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर का पूछ लिया। ठीक है, तो मैंने पूछा किसके बारे में था, एक्स स्क्वायर के बारे में, तो मैंने यहां से एक्स स्क्वायर को रिमूव किया, बचा कौन मेरे पास 7ny, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा मेरा 7y, क्या बन गया मेरा 7y। आई बात समझ में, वही अगर मैं इसमें पूछता कोएफिशिएंट ऑफ 7, जब मैं 7 की बात करूंगा तो 7 को यहां से रिमूव करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, है ना। यानी मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीन पार्ट तो पूछ लिए, एक पार्ट और पूछते, चलो मैं इसे पूछता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई का पूछा तो मैं क्या करूंगा, यानी जिसके बारे में मैंने कोएफिशिएंट पूछा उस कोएफिशिएंट वाले पार्ट को रिमूव कर दो। तो देखो वाई रिमूव हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 2 है अपने पास, तो मैंने एक्स की पावर 1 रिमूव करनी है, 1x बचेगा, इट मीन्स इसका कोएफिशिएंट कौन बनेगा मेरे पास, 7x। आई बात समझ में, है ना। अगर मैं इसी में आप बात करूं आपके लिए कि मुझे 7y का कोएफिशिएंट चाहिए, तो 7y का चाहिए तो 7y को रिमूव करते क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि हमें जिसके बारे में पूछा गया है उस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में से उस पार्ट को रिमूव कर दो, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो भी बचेगा अपने पास वो सारा का सारा अपना क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है अपना, कोएफिशिएंट कहलाता है। आगे बात समझ में, तो हमने फर्स्ट लेवल क्या देखा है इसका, कोएफिशिएंट, क्या देखा, कोएफिशिएंट। आई बात समझ में, चलो अब बात करते हैं टर्म्स के रिगार्डिंग कि टर्म क्या होती है। यानी फर्स्ट देखा कांस्टेंट वेरिएबल्स, इसको मिला के बना दिया एक्सप्रेशन, उसके बाद चले अपने कोएफिशिएंट, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टर्म्स। बात करें टर्म्स के रिगार्डिंग, मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था आपके लिए 7x2y, ठीक है, उससे पहले जब मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल की बात की तो उसमें लिखा था x प्लस 3 लिखा था, है ना, 2y प्लस 7 कुछ लिख दिया मान लिया मैंने। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं उसमें, 7yz प्लस 2x² प्लस 3y, मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिखे, है ना, और पूछा आपको टर्म्स के बारे में। टर्म्स का मतलब उस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितने पार्ट इंक्लूड किए हैं। कैसे, देखो इसमें मैंने सिंगल पार्ट लिया था, कहीं कोई साइन प्लस माइनस का था मेरे पास, नहीं था, इसमें साइन है मेरे पास प्लस माइनस का, है ना, और देख ये एक्स है और ये थ्री है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं,
ये 2y और ये 7, इसमें भी 2 पार्ट्स है, इसमें 1, 2 और 3 पार्ट्स है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई क्या होगा कि हमें टर्म्स बतानी है, ठीक है। इसमें सिंगल पार्ट को यूज किया यानी 1 टर्म, इसमें 1 और 1 2 टर्म, इसमें 1 और 1 2 टर्म, इसमें 1 2 3 यानी ये बन गया 3 टर्म। यानी जितने भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट होंगे, जितने पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लगेंगे, जितनी बार किसी को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सारे के सारे अपने क्या कहलाएगी, टर्म्स का पार्ट बनेंगे। क्या कहलाएगी वो, टर्म्स का पार्ट। तो मान लीजिए मैं आपको अगर ये लिख के देता हूँ कि 4x² + 3x - 2, इसमें कितने टर्म्स है आपके पास, तो आप क्या रीड करोगे, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो टोटल कितनी टर्म होगी अपने पास, 3। अगर इतना याद नहीं रहता तो एक सिंपल तरीका और है इसका, कि मैंने इसके बीच के साइन को काउंट किया, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, है ना। कितने साइन थे मेरे पास, टोटल 2। तो जितने साइन उसमें प्लस 1 कर दो, अपनी टर्म बन जाएगी। जितने साइन उसमें प्लस 1 करो, जैसे मान लिया अभी मैं 3 टर्म्स तक पहुंचा हूं आपके लिए, मान लिया मैं एक लिखता हूं, देखो x³ + 2x² + 3x + 4 = 0, है ना। अब इसमें कितनी टर्म्स लगेगी, तो 1, 2, 3, 4, साइन कितने, 1, 2, 3, जितने साइन उसमें प्लस 1, जितना साइन उतने प्लस 1 कर दो, उसमें एक प्लस 1 करते अपनी टर्म्स बन जाएगी। तो इस कंडीशन में टोटल टर्म्स कितनी अपने पास में, 4, ठीक है। तो अब तक क्या क्या सीखा हमने, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, यानी केवल इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू, जो कुछ भी थी सारी की सारी क्या कहलाती थी अपनी, कॉन्स्टेंट वैल्यू कहलाती थी। वेरिएबल्स क्या हुआ करते थे, तो जहां कहीं भी हमने अल्फाबेटिकल वैल्यू यूज की, ठीक है, तो अल्फाबेट ए टू जेड जो भी था सब कुछ मिलके क्या बना, वेरिएबल वैल्यू बनी। अल्फाबेट यानी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट वैल्यू जब दोनों मिल चुके, इसको कहा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या रीड किया, कोएफिशिएंट यानी किससे मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, फिर टर्म्स काउंट कर ली, कितने टर्म्स मिली हुई है उसमें, ठीक है। टर्म्स के बाद नेक्स्ट मिलता है मेरे को मोनोमियल। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, इन चारों टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो अब हमने क्या निकाली थी, यहाँ टर्म्स निकाली थी, क्या निकाली थी हमने, टर्म्स निकाली थी। टर्म्स कितनी मिली, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म आई थी, ऐसे 5 टर्म भी हो सकती है, 6 टर्म भी हो सकती है, कोई मना नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, देखो मान ली मैंने लिखा यहाँ पर केवल 2x लिख दिया, केवल क्या लिख दिया मैंने, 2x लिखा, 82y लिखा, ठीक है, 7x² z लिखा, 91x² y और z लिखा, यानी सब में मैंने क्या यूज किया है, केवल और केवल 1 टर्म, क्या यूज की है, 1 टर्म यूज की है। और ऐसे मोरियल, ठीक है ना, मोनोमियल इज अ टर्म विच हैज ओनली 1 टर्म, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की टर्म होती है, एंड 2x 20 82y, इसमें सब में क्या है, केवल 1 टर्म ही तो है, और 1 टर्म मिलेगी तो क्या कहलाएगा अपना, मोनोमियल कहलाएगा। 1 टर्म क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स क्या होगी, टर्म्स मोनोमियल में टर्म्स कितनी लगेगी, 1 लगेगी। अब एक एग्जांपल और देता हूं, देखो मान लिखा मैंने 3x + 4x, है ना, 3x + 4x, बात आगे करनी चाहिए थी मुझे इसके बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने इसका बेस दिया ही नहीं आपको। देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों सेम है x और x, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू जो है इसकी वो डिफरेंट है,
फोर और थ्री आपस में ऐड होते हैं तो क्या बनता है मेरे पास, सेवन, और एक्स का एक्स हो सकता है ना, यानी ये सेवन एक्स बनता है। तो देखने में तो मुझे क्या दिखे, वन और वन टू दिखे, है ना, यानी क्या दिखी मुझे, ओवरऑल टू टर्म्स दिखी। कितनी टर्म्स दिखी मुझे, टू टर्म्स दिखी, लेकिन एक्स और एक्स सेम थे, लाइक थे, इसलिए ऐड हो गए, सेवन एक्स में बदल गया, और ये सेवन एक्स किसका पार्ट हो गया अपने, मोनोमियल का पार्ट। सेवन एक्स किसका पार्ट बन चुका है अपने, मोनोमियल का पार्ट बन चुका है। आई बात समझ में, मैं बाइनोमियल की बात करता हूँ। देख मैंने लिखा, मान लिया सेवन एक्स प्लस थ्री, टू टर्म्स थी, ठीक है, मान लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये भी टू टर्म्स का पार्ट है। मान लिखा मैंने नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, ये भी टू टर्म्स का पार्ट है। यानी जिसके पास जिस एक्सप्रेशन में ओवरऑल टू टर्म्स होती है हमारे पास, और टू टर्म्स वाला क्या कहलाता है अपना, बाइनोमियल कहलाता है। लेकिन ये कंडीशन जो थी वो ऐसी थी 3x plus 4x, जिसमें दोनों सेम टाइप की टर्म्स थी, दोनों टर्म्स कैसी थी, सेम थी, सेम होने का मतलब लाइक थी, एक जैसी थी, और जब एक जैसी टर्म्स थी तो आपस में मैंने ऐड कर दिया, ऐड करते क्या बन गया मेरा, वो 7x बना, और 7x किस में चला गया मेरा, मोनोमियल में चला गया। लेकिन दिखने में तो क्या था वो, मेरा बाइनोमियल था, ठीक है। वैसे ही ठीक एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लिखा मैंने 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ टर्म्स कितनी लिखी मैंने, ओवरऑल 3 दिखने में लग रही है ना, लेकिन देखो ये x स्क्वायर, इसके पास भी x स्क्वायर, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो रही है, कोई फर्क नहीं है अपने पास में, ठीक है। ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर दोनों या तो ऐड हो सकते हैं या फिर सबट्रैक्ट हो सकते हैं। अब देखो ये 7 नेगेटिव था, 3 पॉजिटिव था, नेगेटिव करते बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4y, दिखने में क्या दिखा था ये मुझे, 3 टर्म्स का, लेकिन हुआ क्या, ये 2 टर्म करके किसमें चला गया मेरा, ये बाइनोमियल में पहुंच चुका है, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। मैंने क्या लिखा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4y बना ये, और ये बनते कहाँ चला गया अपना, बाइनोमियल, क्लियर है। चलो तो यहां तक बात की हमने मोनोमियल और बाइनोमियल की, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो अब तक हमने देखा बाइनोमियल और मोनोमियल, अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की, है ना। बाई का मीन्स क्या था, ट्राई का मीन्स थ्री, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास हमारे लिए क्या हो, थ्री टर्म्स हो, जिसमें क्या हो, थ्री टर्म्स हो, वो क्या कहलाता है अपना, ट्राइनोमियल कहलाता है। बेटा अगर ऐसी बात करते रहे तो हमने अभी तक मोनो पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल पढ़ा, है ना, फिर आगे क्वाड्रिनोमियल आएगा ऐसी, तो ऐसे नाम कितने याद रखेंगे हम लोग। तो हमने एक नया रूल निकाला और उसको कहा हमने पॉलिनोमियल, और उसकी आइडेंटिफिकेशन कहा कि पॉलिनोमियल क्या था, मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, अगर किसी के पास भी एक से ज्यादा टर्म है, यानी अगर किसी के पास टू टर्म्स है, किसी के पास थ्री टर्म्स है, किसी के पास फोर टर्म्स है, फाइव टर्म्स है, सारे के सारे मिलके क्या कहलाएंगे, पॉलीनोमियल, ठीक है, सारे के सारे मिलके क्या कहलाएंगे, हमारे पॉलीनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कि ऐसे पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन क्या देगा, कि जिनके पास में हमारे क्या हो, मैक्सिमम, यानी मोर देन वन टर्म जिसके पास भी है, मोर देन वन टर्म जिसके पास भी है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। यानी देखा जाए तो बाइनोमियल जो था वो भी पॉलिनोमियल में आता है, ट्राइनोमियल जो था वो भी किसमें जाएगा, पॉलिनोमियल में, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे देता हूं कि जिसमें मैंने बाइनोमियल का क्वेश्चन दिया आपको, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको मैंने क्वेश्चन दिया
क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि फाइंड द मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल या एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कैसे भी करके, और इसमें मैंने इक्वेशन दे दी 2x² + 3y। इसके ऑप्शन में दिया मैंने मोनोमियल बाइनोमियल और थर्ड दे दिया आपको मैंने पॉलिनोमियल। तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर आपने हमें बताया था कि जब मोर देन वन टर्म आ जाती है, मोर देन वन टर्म बनती है तो वो पॉलिनोमियल का पार्ट बन जाता है ना। मोर देन वन टर्म होते ही अपना क्या बनता है, पॉलिनोमियल का पार्ट बनता है। लेकिन यहां देखो ऑप्शन में हमारे पास बाइनोमियल पड़ा है ना, हमारे पास ऑप्शन में बाइनोमियल है। इट मीन्स हम लोग नो डाउट बाइनोमियल पर ही टिक करेंगे, पॉलिनोमियल को टिक नहीं करेंगे। आई बात समझ में, यानी जब हमारे पास ऑप्शन बाइनोमियल का है तो हम पॉलिनोमियल में मूव नहीं कर सकते। अगर बाइनोमियल का टर्म नहीं होता अपने पास तो मैं इसको क्या डिक्टेट कर देता, पॉलिनोमियल में। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग लाइक एंड अनलाइक। लाइक का मतलब जो दिखने में एक जैसे हैं, अनलाइक जो अलग अलग है ना। अब दिखेंगे अलग अलग और सेम किसके बेस पे देखेंगे हम लोग, वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स के बेस पर। किसके बेस पे देखेंगे, वेरियस, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर वैल्यू जो थी इसकी वो डिफरेंट हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जैसे मान लिया ऊपर एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको 4x + 3x, जिसको मैंने काउंट कहाँ कराया था, इसको मोनोमियल में 3x को मैंने काउंट कहाँ कराया था, मोनोमियल में काउंट कराया था। क्यों? क्योंकि जब मैंने दोनों को आपस में ऐड किया तो बन गया था मेरा 7x। दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया था मेरा 7x बना था। क्यों बना था? क्योंकि देखो इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, दोनों x सेम थे, सेम था, इसका मतलब क्या था, लाइक, और लाइक था तभी हमने इसको ऐड कर दिया। यानी लाइक टर्म हमेशा आपस में ऐड भी हो सकती है, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, चेक करें कैसे। जैसे मान लिखा देखो मैंने 7x माइनस का 4x माइनस 91x, ठीक है, फिर लिखा मान लिया मैंने माइनस 4x² माइनस 5x² प्लस 92x². तो देखो जिसके पास x² था वो सारे सेम हो गए, सॉरी जिसके पास सारों के पास x था वो सारे सेम बन गए। अगर मान लिया ऐसे लिखा मैंने 4xy और यहाँ लिखा मैंने 3xy तो सेम है। मैं यूं लिखता हूँ 7yx तो क्या सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल्स का सीक्वेंस बदला है मैंने, वेरिएबल्स का मैंने क्या किया है, सीक्वेंस चेंज किया है, वेरिएबल बदला नहीं है। ठीक है ना, a को b से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 2 = 6 बनता है। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे को 6 ही मिलना है। ठीक है, तो चाहे मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं, चाहे y को x से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो xy ही मिलना है। तो ये तीनों टर्म्स क्या होगी, लाइक टर्म्स का पार्ट होगी। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, लाइक टर्म्स का पार्ट होंगे। लेकिन मैं अगर यूं लिखता हूं 4x² माइनस 3x तो इसके पास x² था और इसके पास केवल x था, दोनों की पावर डिफरेंट है। आप ये मत कह देना सर बेस तो इक्वल था x और x, बेस इक्वल होने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसकी पावर से भी मतलब होता है। अगर पावर यानी एक्सपोनेंट्स भी इनकी इक्वल है देन दे आर सेम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपस में सेम वेरिएबल्स काउंट नहीं होंगे और वो एक्सप्रेशन कहलाएगा अपना अनलाइक एक्सप्रेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा, अनलाइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक की।